आप पे नजायज फरोशी के कितने मुकदमे आते हैं आज तक? कोई भी नहीं है सर। आप पे कोई FIR है? कोई भी नहीं है। उन्होंने मुझे मारपीट की, मैं फोन नहीं था खोला कि मैंने कहा मेरी पर्सनल चीजें हैं, जाहिर सी बात है घर वालों की फोटोज वगैरह, तो मैंने नहीं थी खोली। मैं जब ये इतनी बात करता था वो मुझे मारता था, ठीक है। मुझे उठा के वो दूसरे क्वार्टरों में ले गया, वहां पे जाके इसने मारा। मैंने फिर फोन खोल दिया तो फोन खोल के कहता है जैस कैश में से मुझे पैसे मंगा के दो। क्या बयान लिए? उन्होंने मुझे कहा कि आप वीडियो में ये कहना है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। आप देख रहे हैं SNN न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान इंतजार कुरैशी। नाज़रीन, ये लड़का जो मेरे साथ बैठा हुआ है ये PSL का इमर्जिंग प्लेयर है। ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है जो मुख्तलिफ क्लब्स की जानिब से क्रिकेट खेलता है। इसका नाम अली हमज़ा है। अली हमज़ा के साथ थाना शालीमार के कुछ अहलकारों ने, तीन अहलकार हैं जिन्होंने इस बच्चे की बरहना वीडियो बनाई, इसे नाजायज़ बगैर किसी FIR के, बगैर किसी भी किस्म के जुर्म में मुलव्वस होने के, एक बिल्कुल मासूम शहरी, एक बिल्कुल बेगुनाह शहरी, एक शरीफ शहरी और एक PSL की इमर्जिंग क्रिकेट टीम का एक हिस्सा अली हमज़ा, जिसे शालीमार थाना के तीन अहलकारों ने अगवा किया और इसे लेकर कभी ग्रीफन पार्क गए और कभी इसे लेकर जेर तमीर मुगलपुरा की इमारत के से मुलाका जो सरकारी क्वार्टर है उधर ले गए। उधर जाके इस बच्चे पे मुसलसल तशद्दुद भी किया, ना सिर्फ इस पे तशद्दुद किया बल्कि इसके साथ साथ इसकी बरहना वीडियो बनाई और इससे ये बयानात भी लिए कि उन्होंने इस शख्स को कुछ नहीं कहा, कोई मारपीट नहीं की और ना ही कोई इससे पैसे लिए हैं। लेकिन नाज़रीन, मेरे हाथों में ये चार कागजात हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे की आंख से। अगर मीसम अली आपको अपने कैमरे से दिखा सकें तो नाज़रीन, ये 42,000 रुपये की जैस कैश की एक ट्रांजैक्शन हुई है जिसका टाइम अगर मैं आपको बता सकूं तो ये 4:42 का टाइम है। ये 3 तारीख का वाक़ा है, इतवार का वाक़ा, यानी 3 मार्च की बात कर रहे हैं। अब दूसरी ट्रांजैक्शन जो हुई है इस पर वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये नाज़रीन 4:50 पर ही हुई है, ये 50,000 की ट्रांजेक्शन हुई है, ये दूसरी ट्रांजेक्शन है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो ये तीसरी ट्रांजैक्शन है जो कि 5:41 पे हुई, ये 20,000 रुपये की ट्रांजैक्शन है। और अगर इसके साथ हम चौथी ट्रांजैक्शन देखें तो ये 70,000 रुपये की ट्रांजैक्शन है जो 5:58 पे 3 मार्च बरोज़ इतवार 2024 को ही, और ये पेमेंट सारी जो गई है ये गई है एक नंबर पे जिसका नाम है फैसल पेंट स्टोर, इसे आप देख सकते हैं। ये नंबर भी यहाँ पे मेंशन है जहाँ पर ये पुलिस अहलकारों ने इस बच्चे से ये जैस कैश के ज़रिए पैसे मंगवाए और इसको तशद्दुद का निशाना बनाया और इसकी एक बरहना वीडियो भी बना ली डराने के लिए कि अगर तुमने किसी को बताया कि हमने तुमसे जैस कैश में पैसे लिए हैं तो फिर हम तुम्हारी ये नंगी वीडियो जो है ये वायरल कर देंगे। IG साहब, आप पुलिस वालों को वेलफेयर के लिए लाइक कर रहे हैं, उन पर उनकी बेटरमेंट पर काम कर रहे हैं, पुलिस का मोराल बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस की वेलफेयर पर अपने अरबों रुपये लगा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पुलिस अहलकार जो हमारे अवामुल नास के मुहाफिज हैं वो एक नया धंधा शुरू किए हुए हैं, लोगों से पैसे लेने की खातिर उनकी बरहना वीडियो बना रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं क्या किसी महज़ब माशरे में इस किस्म के मुहाफिज होते हैं? ये हमें मुहाफिज नहीं लगते बल्कि ये तो हमें गुंडागर्द अनासर दिखाई दे रहे हैं जो शरीफ शहरियों को उठा लेते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। चलते हैं अली हमज़ा के पास और आपकी इससे इस वाक़े के मुतल्लिका सारी गुफ्तगू करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली हमज़ा, आपकी एज कितनी है? 23। अली हमज़ा, आप क्या करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, साथ पार्ट टाइम ट्रेडिंग का काम करता हूँ। मैं लाहौर किलंदर के साथ ऐसा इमर्जिंग प्लेयर हूँ, प्रोफेशनल के साथ ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। NCA में भी ट्रेनिंग करवाई हुई है और मुख्तलिफ क्लब में मैंने ट्रेनिंग वगैरह कराई है, मैचेस भी खेलता हूँ मैं। अब तो हमारे उभरते हुए स्टार हैं ना IG साहब, ये हमारा उभरता हुआ स्टार है, आपके पुलिस अहलकार इसके साथ क्या कर रहे हैं ये देखें। ये पूरे दुनिया में हमारी बदनामी, हमारी जग हंसाई है। अगर आपने इन पुलिस अहलकारों को निशाने इबरत ना बनाया तो आगे भी हम इंटरनेशनल दुनिया में इसी तरह से जलील और रुस्वा हो रहे हैं और मजीद होते जाएंगे। अच्छा, तो ये वाकया क्या है ये बताइएगा। मैं अपने घर से मैच खेलने के लिए निकला था, शालीमार थाने के बिल्कुल सामने मेरी रिहाइश है। घर से बाहर निकला हूँ, थोड़ा सा पैदल सफ़र किया
तो पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, मुझे कहते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई है नजायज़ फरोश कामों की, तो मुझे उठा। आप पे नजायज़ फरोशी के कितने मुकदमात हैं आज तक? कोई भी नहीं है सर। आप पे कोई FIR है? कोई भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये कौन अहलकार थे, इनके नाम क्या थे? एक जो मुझे मारपीट जो कर रहा था उसका नाम जिशान था, दूसरे काशिफ था, और जो तीसरा था वो उसका नाम नहीं था, उसके बैच के ऊपर टेप लगी हुई थी, ठीक है। बतौर उनके वो कहते थे कि ये ASI है, ठीक है, ये SHO है या ASI है, मुझे नहीं पता कि कौन था। अच्छा, यहाँ से आपको शालीमार थाना के पास से इन्होंने उठाया, कहाँ लेके गए? मुझे ये ग्रिफिन ग्राउंड में ले गए, इन्होंने मुझे वहाँ पे कहा कि, मैंने कहा मुझे आप यहाँ पर क्यों लाए? इन्होंने कहा यहाँ पे हमने एक और लड़का जो तुम्हारे साथ मुबलिस है उसको लेके जाना, बिलाल नाम था उसका, कह रहे थे। तो अंदर ग्राउंड में गए, कोई नहीं मिले मेरे ग्राउंड में। उस ग्राउंड में भी जानने वाले दोस्त थे काफ़ी, लोग इकट्ठे कुट्ठे हो गए। आपको ग्राउंड में लोग कैसे जानते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट के बेस पे ही सब दोस्त मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टेप बॉल भी खेलता हूँ, टेनिस भी खेलता हूँ, और हार्ड बॉल ज़्यादा मेरा फोकस है। अच्छा, तो ये पुलिस अहलकारों ने आपसे कितने पैसे लिए, कहाँ कहाँ लिए? इन्होंने मुझे जब ये ग्रिफन से मुझे उठा के मुगलपुरा ज़ेर तमीर इमारत वहाँ पर जब ले गए, तो मुझसे जाते साथ ही इन्होंने एक तो फ़ोन मेरा यहीं पर खींच लिया था, और एक वहाँ पर जा कर मुझे कहते कि फ़ोन खोलो। मेरा फ़ोन मैंने जब नहीं खोला तो मुझे मारा, जाते साथ ही जिशान ने पहले मेरे नाक पर मुक्का मारा, ठीक है। मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं, मेरा स्टिचेस भी टूट गया, ये मेरा स्टिचेस लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने बाजू बकरा मेरा एक टांका टूट गया था, और उसके बाद आपकी पॉकेट में कितने पैसे थे? मेरी पॉकेट में तकरीबन 67 से 68,000 रुपये। आपके पास इतने बड़े पैसे, इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ गए भाई? बेसिक मैंने सर आपको बताया, मैं साथ ट्रेडिंग करता हूँ, रिकवरी करता हूँ, जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ली होती हैं उनकी रिकवरी करता हूँ। तो संडे का दिन था, तो कुछ पेमेंट हुई हुई थी, और सैटरडे को मैंने जल्दी छुट्टी ले ली थी, तो वो पैसे मेरे पास ही थे, और मैंने कहा था कि चले अंकल मिलेंगे, मैं उनको वापस कर दूंगा जिनके साथ काम करता हूँ वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने मुझे मारपीट की, मैं फ़ोन नहीं था खोला, कि मैंने कहा मेरी पर्सनल चीज़ें, जाहिर सी बात है घर वालों की फ़ोटोज़ वगैरह, तो मैंने नहीं थी खोली। मैं जब ये इतनी बात करता था वो मुझे मारता था, ठीक है। मुझे उठा के वो दूसरे क्वार्टरों में ले गया, वहाँ पे जाके इसने मारा। मैंने फिर फ़ोन खोल दिया, तो फ़ोन खोल के कहता है जैस कैश में से मुझे पैसे मंगा के दो, पैसे मुझे ट्रांसफ़र करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पे 9C का पर्चा करवा दूंगा, नजायज़ फरोशी का पर्चा करवा दूंगा, 2 किलो तुम्हारे पास हमें बरामद हुई है। इस तरह की वो मुझसे बातें कर रहा था। देखें नाजरीन, अब आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि पुलिस को जो मंशियात बरामद होती है वो कैसे बरामद होती है, और जो शरीफ लोग होते हैं, बेगुनाह मासूम लोग होते हैं, उनको मंशियात के मुकदमात में किस तरह से उन्हें मुलव्वस किया जाता है और उनका कैरियर तबाह कर दिया जाता है, उनको मुजरिम बना दिया जाता है, उनको रिकॉर्ड याफ्ता बना दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ जी? और फिर उसके बाद जब मैंने उनको पेमेंट वगैरह करवा रहा, जिस तरह भी करके करवा रहा था, जो बाकी 2 लाख रुपया मैंने उनको दिया, वो भी कुछ अंकल से, अंकल को नहीं बताया, कुछ मंगवाए उनके पैसे पड़े थे, कुछ किसी से पकड़ के पैसे मैंने वो उनको ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये सारा वो रिकॉर्ड है, उन नाजरीन ये वो सारा रिकॉर्ड है जो मैंने आपको बताया है, इन तमाम जैस कैश के नंबर्स पे जो ये इन पुलिस एहलकारों ने इस बच्चे से पैसे मंगवाए, उसका ये सारा रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर बेटे क्या हुआ? फिर उसके बाद वो एक और आदमी आया है, जिसका मैंने आपको बताया जो थर्ड पर्सन था, उसके बैच पे टेप लगी हुई थी, और उसने आते साथ मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा तुम अली हमजा? मैंने कहा जी मैं हूँ। उसने कहा कि तुमने पैसे देने के नहीं, वो मुझसे 5 लाख रुपया मांग रहे थे, जबकि मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे वाले साहब भी नहीं है, घर भी हमारा रेंट पर है, तो बहुत मुश्किल से सर्कट चलता है, क्रिकेट खेल के हैं वो। तो मैंने उनको पेमेंट करके जिस तरह भी करके दे दी। फिर वो मुझे एक कमरे में ले गया, उसने मुझे कहा कपड़े उतारो। मैंने कहा मैं क्यों उतारूँ? कौन लेके गया? जिशान, ठीक है। उसने मेरी वीडियो बनाई, उसके बाद मुझे कहता है कि मैं तुम्हारी बाहर जाके एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे तुमने कहना है कि हमने तुमसे कुछ नहीं लिया, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। जब उसने आपकी बरहना वीडियो बनाई तो उसमें आपसे कोई बयानात लिए? नहीं, कुछ भी नहीं लिए, ऐसे बरहना वीडियो बनाई, फिर बाद में कपड़े पहना के वीडियो बनाई जी। क्या बयानात लिए? उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मुझे कहा कि आपने तुमने उनको वीडियो में ये कहना है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हें हाथ नहीं लगाया, ठीक है, तुम्हें बड़े प्यार से कहा है कि तुम कोई गलत काम ना करना, ठीक है, गलत लोगों के साथ ना बैठना, गलत कोई नजायज़ फरोशी का काम ना करना, अगर करोगे तो तुम्हारा फिर ये कर दूंगा, और तुमने बाहर भी जाकर किसको बताना नहीं मैंने तुमसे पैसे लिए हैं या लिए, अगर बता दिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हारी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो फिर आप कैसे आए वहाँ से? मैं वहाँ से पैदल घर आया, मैंने तो पहले किसी को बताया नहीं, एक फ़ोन उन्होंने मुझे दे दिया था और एक ये फ़ोन है जो कि उन्होंने मुझे कहा कि तुमने हमें नहीं दिया, बल्कि दोनों फ़ोन उन्हीं के पास थे, एक फ़ोन से ट्रांसैक्शन ही हो रही थी और एक फ़ोन वो कह रहे थे कि तुमने हमने पकड़ाया नहीं, वो तुम झूठ बोल रहे हो। नाज़रीन, ये पुलिस अहलकार इस डब्बे का, ये Y9 हवावे का Y9 फ़ोन है,
ये इन अहलकारों ने इस बच्चे से छीना है, इसका डब्बा, इसका IMEI कोड सारा इनके पास बतौर सबूत मौजूद है। इन पुलिस अहलकारों ने जो इनसे जैस कैश में पैसे मंगवाए उसकी भी सारी स्टेटमेंट इनके पास बतौर सबूत मौजूद है। तो ये बताइए कि फिर आपने इसके खिलाफ क्या किया? मैं तो डर गया था क्योंकि मुझे समझ नहीं थी लग रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों है। तो मैंने तो अभी पर्सनली किसी से बात नहीं थी की, बट मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा था कि अगर मैं आज किसी से नहीं बात करूंगा कल को किसी और के साथ भी ऐसे वारदात हो सकती है, ज्यादती हो सकती है। आपने इस हवाले से जो PSL के आपकी इंतजामिया है, PSL के जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बात की है? मैंने उनसे किसी से बात नहीं की क्योंकि मैं ऐसा उनके साथ इतना इन्वॉल्व नहीं, मैं सिर्फ उनके साथ ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, साथ उनको ट्रेनिंग करवाता हूँ और मुख्तलिफ क्लब से मैचेस खेलता हूँ, ठीक है। तो मैंने किसी से कोई नहीं किया, मैंने फिर सीधी बात की अपने चाचू से और मैंने फिर उनको बताया कि मेरे साथ ये वाक्य हुआ है। चलते हैं नाज़रीन इनके चाचू के पास जिन्होंने इन अहलकारों के खिलाफ दरख्वास्त दी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी नज़ाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब बताइए आपने दरख्वास्त किसे दी है? मैंने CM मरियम नवाज साहबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब, वो शालीमार थाने में आई थी 2 दिन पहले, उन्होंने इनको कहा था कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन ये लोग ठीक नहीं हुए, ये अभी भी उसी तरह ज़्यादती जुल्म कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है, मेरे भतीजे है, मेरा बेटा है, इसका बाप भी नहीं है, बहुत ज़्यादती की है इसके साथ। अच्छा ये बताइए कि आपकी दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई हुई है? सर मेरी दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस कोई एक्शन ले रही, मेरा भतीजा बहुत परेशान है, रो रो के रात का उसका बुरा हाल है, मुझे बता नहीं रहा था डर के मारे। अब उसने बताया, उसने कहा मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, मैंने PSL खेलना है, अगर ये पुलिस में ओपन हो जाएगा या मीडिया में चला जाएगा मेरा क्या बनेगा। वो अभी भी डर रहा है, मुझे कह रहा है कि आपने ये सब कुछ क्यों किया है। तो ये बच्चा इसमें कोई, इसके ऊपर कोई मुकदमात हैं? इस पर कोई मुकदमा नहीं, ना मेरे पे कोई मुकदमा है ना इस पर मुकदमा है। हम एक शरीफ शहरी हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, मेरी रिकवरी इस बंदे के पास होती है सारी। सैटरडे नाइट थी, रिकवरी घर ले गया सारी, वो घर से निकला चलेगा, पकड़ा गया वहाँ से, पुलिस वाले पकड़ के बड़ा मार। इन पुलिस वालों को इस बच्चे के साथ क्या दुश्मनी थी? यही नहीं पता चल रहा ना, यही पता चले तो फिर है ना, अगर कोई दुश्मनी है, कोई क्रिमिनल काम कर रहा है, इस पर FIR देते, मैं भी इसकी पिटाई करता, वो भी करते, मुझे खुशी होती। अगर गलत है ये बंदा, इस पर FIR देनी चाहिए थी, मुझे पता चलता कि ये गलत है। अभी तक मैं इसको पूछ रहा हूँ, कहता चाचू मेरा कसूर ही कोई नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये पुलिस वालों की ज्यादती है। नाज़रीन अगर ये बच्चा बतौर उन पुलिस एहलकारों के जो शालीमार थाना के हैं तीनों एहलकार, अगर ये बच्चा उनके बकौल वाकई ही नजायज़ फरोशी में मुलव्वस था, तो IG साहब, DIG साहब, CCPO साहब, फिर इन पुलिस एहलकारों ने इस बच्चे को छोड़ा क्यों? इससे तकरीबन 2.5 लाख रुपया बटोरा क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ इन एहलकारों ने इस बच्चे से पैसे लेने की खातर इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया, इसे अगवा भी किया, और इसकी ना सिर्फ ये चीज़ की बल्कि इसके साथ साथ इसकी एक बरहना वीडियो भी बनाई, और वो वीडियो उन्होंने बतौर धमकी के लिए अपने पास महफूज रखी है। अभी भी उन एहलकारों के मोबाइल में वो वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने इस बच्चे की बरहना वीडियो बनाई है और बतौर धमकी इसको कहा है कि अगर इसने किसी को बताया कि हमने इसके साथ ज्यादती की है तो ये वीडियो वो वायरल कर देंगे। अच्छा अब आपका मरियम नवाज साहबा से कोई मुतालबा? मेरी मरियम नवाज साहब से अपील है, मैं उनका वोटर भी हूँ, सपोर्टर ही हूँ, उनको वोट इसलिए डाला था कि हमें तहफ़ मिले, हमसे ज़्यादती ना हो, हमारे बच्चों के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, इसलिए वोट दिए हैं कि मरियम साहब वज़ीर आला बन गई हैं, हमारे बच्चे पकड़े जाएं, पैसे लूट लिए जाएं, डकैती दिन दिहाड़े 4 दिन के डकैती कर ली इसके साथ, ये जुल्म, इससे बढ़ के जुल्म क्या है? हम कहाँ पर महफूज हैं? थाने शालीमार के सामने भी महफूज नहीं है हम, थाने शालीमार के सामने हमारा घर है, वहाँ पे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये थाना यहीं से कहीं ले जाएं? बल्कि आप तो थाने वालों के मोहल्ले पड़ोसी हैं ना, हमसाए हैं। सर हम पड़ोसी हैं, हम इनको खाना बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, कप बेचते हैं, चाय बेचते हैं, फिर हमारे साथ जुल्म, इसलिए जुल्म हो रहा है हमारे साथ। ये नाज़रीन मैं पुलिस वालों की खुद गर्जी सेल्फिशी की एक दास्तान आपको सुना रहा हूँ कि इनके घरों से थाना शालीमार के अहलकारों को मुफ्त खाना भी जाता है, कोई बर्तन चाहिए हो तो वो भी चला जाता है, कोई चारपाई चाहिए, बिस्तर चाहिए, सब कुछ ये उनको देते हैं, और ये इतने एहसान फरामोश हैं कि इन्होंने इन सारे एहसान बिल्कुल, मैं यहाँ पर मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत कौल याद आ रहा है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, ये बिल्कुल ठीक बात थी। ये घर जो इस थाने के जो पुलिस एहलकार हैं शालीमार थाना के, इनको ये फैसिलिटेट करता रहा, इनको ये चार पहियाँ फराहम करता रहा, खाना फराहम करता रहा, बर्तन फराहम करता रहा, पानी ठंडा पिलाता रहा गर्मियों में, और उसका सिला इन्हें ये दिया कि इन्हीं के बच्चे को अगवा किया, उस पर तशद्दुद किया, उसकी बरहना वीडियो बनाई और जैस कैश के जरिए इस बच्चे से तकरीबन 2.5 लाख रुपये बतौर तवान वसूल किया और फिर इस बच्चे की जान छोड़ी। नाज़रीन ये मेरी आज की एक क्राइम स्टोरी थी, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपने मेज़बान
मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरा मैन सैयद मिसम रजवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।